हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने मोटो ब्लॉग के अंदर। और आज वापस से अपना प्लेटिना के ऊपर एक और मोटो ब्लॉग होने वाला है। और हाँ, जयपुर में अगर मैं आपको पेट्रोल के प्राइसेस की बात करूँ तो 95.3 समथिंग हमने क्रॉस कर दिया है जयपुर के अंदर पेट्रोल की प्राइस। जैसा कि मैं पिछली बार भी बता रहा था, मोटो ब्लॉगिंग अब थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी लोगों के लिए। तो अभी फिलहाल जैसे कि टाइम हो गया है सुबह के 9:10 के अराउंड हो रहे हैं और हम लोग, मतलब मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस। ऑफिस जाते समय हम जा ड्रॉप करने वाले हैं पूजा जी को उनके घर पे। ओहो, बत्ती हो गई यार। ऐसा अब यहाँ पे आज हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपको दिखाएंगे सुबह सुबह जयपुर का जो ट्रैफिक है वो किस टाइप से रहता है और हम कितने ट्रैफिक के बीच ऑफिस पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे जयपुर के ट्रैफिक कंडीशंस को देखते हुए। जो ये है 200 फीट बाईपास वाला चौराहा, यहाँ के जो ट्रैफिक के हाल देख के ही आप लोग समझ सकते हैं कि भैया, मतलब ये तो मेन जो हमारा हाईवे है वो आ जाता है, आउटर जयपुर का पार्ट है ऑलमोस्ट। वहाँ पे भी इतनी भीड़ है तो समझ सकते हैं आप कितनी भीड़ होगी। कोई ना, अभी आप साथ बने रहिए, आपको दिखाएंगे अभी सिटी के अंदर के भी हाल, आखिर सिटी के अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है सुबह सुबह। ओ भाई साहब। तो भाई साहब, ये था अपना 200 फीट वाला चौराहा जो काफी ज्यादा बिजी रहता है। तो आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, कल रात क्या हुआ, मुझे एक सपना आया। तो सपना कुछ इस तरह से था कि मैं ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे भाई साहब सामने पहाड़, दाई तरफ खाई, बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग आ रही थी, मेरे आगे एक राइडर चल रहा था एंड मेरे पीछे एक राइडर चल रहा था। हम लोग निकले हुए थे 10-15 दिनों के टूर पे। अरे भाई, सपने में हम कल लद्दाख गए हुए थे बाइक राइड पे और मेरे साथ दो और राइडर थे। अब वो कौन थे यार, मैं पहचान नहीं पा रहा था उनको। बहुत बड़े यूट्यूबर थे साथ में। और ये क्या कर रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा कौन किधर रोकना चाह रहा है। ओके, ये किसने इनको रोका है, ऐसे ही गाड़ी को हाईजेक कर दिया। एक रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, कोई पुलिस वाली गाड़ी भी नहीं लग रही थी, बस उन्होंने रोक दिया उस गाड़ी को। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि हम लोग गए हुए थे लद्दाख पे तीनों राइडर, और भाई साहब जो मजे आ रहे थे ना, अपनी हिमालयन को लेके गए हुए थे हम वहाँ पे। ऐसा लगा जैसे मतलब जलाने के लिए वो सपना आया था। पता नहीं ये सपना कब पूरा होगा। लद्दाख की राइड हर राइडर का एक सपना होता है और कुछ लोग तो उसे बहुत ही जल्दी पूरा कर लेते हैं और कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो पता नहीं उस सपने को कितना लंबा खींचे जाते हैं। क्योंकि यार वो कोई छोटी मोटी राइड नहीं होती, काफ़ी लंबी राइड होती है, तो उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है और काफ़ी टाइम भी लगता है। और हम ठहरे नौकरी पेशा आदमी तो इतनी इजीली ऐसी राइड कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। सपनों से बाहर निकल मनो, सपनों से बाहर निकल। अभी हाल फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे जो यही रास्ता होगा जब कभी लद्दाख पे जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता दिल्ली के लिए जाता है, ये दिल्ली वाला हाईवे है। हम लोग अभी क्रॉस कर चुके हैं जो 200 फीट बाईपास वाली ऊपर वाली रोड थी वो क्रॉस कर चुके हैं। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे 14 नंबर पे। हलचल रहती है ट्रैफिक की, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। मतलब हमें देख लो, चौराहे क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऊपर से यहाँ पे रोड भी थोड़ी ऐसी ही रहती है, काफ़ी ज़्यादा मर्ज रहता है, बहुत ज़्यादा हलचल रहती है यहाँ पे। देखो इस टाइप से रॉन्ग साइड, सेम साइड, उल्टी साइड, सीधी साइड, हर तरफ से लोग आते हैं। और ये देखो अभी ठुकता बच्चा। भाई साहब ये बहुत हॉट स्पॉट है यहाँ पे, अगर कोई कैमरा फिट कर देना तो शाम तक आपको पता नहीं कितने तो एक्सीडेंट मिल जाएंगे देखने को और कितने ही अलग अलग टाइप के कांड देखने को मिल जाएंगे। क्या ओवरटेक करने देगा क्या? भाई नहीं दे रहा। ओहो, इधर भी भीड़ भड़क्का। पीछे भाई साहब कार वाला भी चिपका ही दिए। ओके, अरे 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 बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब हम लोग अभी शिफ्ट हो चुके हैं जो अंदर वाली रोड से उन पे,
और मैडम को भी अभी ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे हमने उनके घर पे। हम सीधे निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज। होप सो बॉस लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए, उनका काम हो जाए। ओहो, अब मेरे को यहाँ से ऑलमोस्ट आधे घंटे से भी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस टाइप से बहुत ही भयंकर ट्रैफिक मिलेगा। अभी तो यही है, और अभी तो मेरे को सिटी का जो मेन ट्रैफिक है उसमें भी जाना है। ये वाला एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। लेट्स सी। ओहो 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 ओहो, ऐसी रोड्स पे जब मैं हिमालयन लेके जाता हूँ मेरी हालत हो जाती है बिल्कुल ख़राब। भाई साहब हिमालयन है ना, उसका टेम्परेचर ऐसे बढ़ता है जिसकी कोई हद नहीं है। हम किधर से जाएं? यहाँ हमें जाना उस साइड है, जाएं किधर से हम? ऑलमोस्ट 9 बजे निकले थे और अभी यहाँ पे टाइम भाई साहब 9:40 तो यहीं पे हो गए हैं। इस तरह से यहाँ काम ख़राब हो जाता है यार। चलो रे, चलो 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 भाई साहब, इतना ज़्यादा टाइम लगा है ना। हो, काफ़ी मुश्किल रहता है यार, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ये आगे सीकर वाली रोड, अब इस पर भी कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा भाई साहब। यहाँ तो नहीं, लेकिन आगे जो चौमू पुली आएगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। किधर किधर किधर, कौन किधर जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। तू डायरेक्ट किधर जा रहा है दादा? अरे मुझे रॉन्ग गलत रोड पे ले लिया मेरे को जाना इस साइड है। मेरे को ले किधर लिया यार? ओहो, ओके, इसलिए वहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ रहती है। अब वो रोड आ जाके उधर अंदर चली जाती। एमटी का हेलमेट, गौरव वाला हेलमेट पहन रखा है यहाँ बच्चे ने। ओहो, इतना ट्रैफिक, तो मैं कब तक पहुँचूंगा? भाई, मुझे भी इधर ले चलो। एक्चुअली क्या है कि 9 बजे से पहले अगर हम लोग निकल जाते हैं तब तो हमें इतना नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही 9:30 वाला टाइम आता है, जैसे ही ये 9:30 वाला टाइम आ जाता है ना, तो भाई साहब बहुत से ज़्यादा ट्रैफिक मिलने लगता है। भाई साहब शानदार चला रहा है यार वो बंदा। ओके, काफ़ी सीरियस और काफ़ी बहुत ही भयंकर ट्रैफिक था। ओ भाई साहब, नहीं 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 नहीं, ओके, वहाँ पे गेट ही खोल दिया भाई साहब। ओ नो 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 नो, माय गॉड, ब्लॉक है आगे, ब्लॉक है। हाँ, चलो, चलो 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 चलो। हाँ, अब आ गए हम एमआई रोड पे। यहाँ का भाई साहब ट्रैफिक का हाल तो और भी भयंकर होता है। अब सो बैटरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अभी तक बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पे कट करने का मौका ही नहीं मिल रहा मेरे को। इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक का मुजाहरा यहाँ पे चल रहा है, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ही भयंकर और ख़तरनाक तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है। भाई बहुत बढ़िया चला रहे हो भाई साहब, तो घुमा मत देना रिक्शे को। लाइट हो रखी है यहाँ पे, क्या हम लोग निकल पाएंगे? जी हाँ, निकल गए। टाइम हो गया है 9:56 और बैटरी अभी चल रही है। तो भाई आपको लास्ट सीन दिखाएंगे, यहाँ पे अल्बर्ट हॉल आने वाला है, उसके सामने भी ट्रैफिक का क्या हाल रहता है ये थोड़ा सा दिखाएंगे। और अभी जो भाई मिला था काफ़ी बढ़िया चला रहा था यार, मतलब राइडर्स लोग अलग ही पहचान में आ जाते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ अजमेरी गेट के ऊपर। भाई 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 किधर दबाएगा? यहाँ
यहाँ से क्या रोड शिफ्ट होती है तो हमें उस साइड जाना है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। और यार इतने सारे मक्खी मच्छर कहाँ से उड़ने लग गए, बहुत ज़्यादा उड़ने लग गए अब तो। जो आज का ये वीडियो बन रहा है ये मेरा काफ़ी लंबे टाइम से बनाने की इच्छा थी कि ऑफिस जाते समय मैं भी एक बार वीडियो बनाऊं। एक्चुअली क्या है, बैटरी एक ही लेके आया हूं तो इतनी चल नहीं पाएगी कि मैं बिल्कुल आपको एंड तक ऑफिस तक दिखा सकूं। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अल्बर्ट हॉल पे के पास, और यहाँ से अब थोड़ा सा हमें सुकून मिलेगा क्योंकि अब ट्रैफिक इतना नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं अंदर जो छोटी गलियाँ हैं उनसे जाऊँगा। तो भाई साहब ये है अल्बर्ट हॉल, रात के आपने नज़ारे इसके काफ़ी देखे होंगे मेरे वीडियोस के अंदर, नहीं देखे तो हमारे जो अदर वीडियोस हैं मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, उन वीडियोस में जाके आप इस जो ये अल्बर्ट हॉल है शाम को काफ़ी शानदार लगता है वहाँ पे इसके नज़ारे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो प्री वेडिंग शूट चल रही है यहाँ पे शानदार वाली। तो आज के वीडियो में इतना ही, बैटरी शायद अब ड्रेन होने वाली है और मैं यहाँ से बस मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगा। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, मैं 5 मिनट के अंदर यहाँ से ऑफिस में पहुँच जाऊँगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका कोई और भाई बंधु है जिसको कि मोटो ब्लॉगिंग पसंद है तो उसको भी मेरा चैनल रिकमेंड कर देना। बस इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम भी हमारी आईडी सेम है, इट्स सेम कुमार। अगर कुछ लंबी राइड का प्लान होता है या कुछ होता है तो हम वहाँ पे इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो बस आज बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ले जाओ सर, ले जाओ। रो टच हुआ थोड़ा सा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। पिटाई होते हुए अंकल जी की सुबह सुबह पिटाई चल रही है बहुत ही भयंकर तरीके से।